नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यू नेशन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। दलित युवक की हत्या के इस मसले ने भी सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो इसके बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। आपको बता दें, बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट पीट कर की गई हत्या काफ़ी दुखद और निंदनीय है। उन्होंने इस घटना को लेकर राजस्थान के सत्ताधारी दल पर निशाना साधा और सवाल किया कि कांग्रेस हाईकमान क्यों चुप है। क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपये की मदद नहीं देंगे? मायावती ने कहा कि बसपा जवाब चाहती है, दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। मायावती ने यूपी के लखीमपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना जघन्य है। इस कांड में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम सुर्खियों में आना बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर अनेकों सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बीजेपी अपने मंत्री से खुद ही इस्तीफा ले, तभी वहाँ पीड़ित किसानों को कुछ न्याय की उम्मीद हो सकती है। बसपा की ये मांग है। बसपा प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को लेकर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मायावती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी आए दिन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अशोक गहलोत के साथ ही राहुल और प्रियंका गांधी, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा था और पूछा था कि हनुमानगढ़ कब जाएंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन और